एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पे हमारा कगामी लिख रहा होता है, फिर बोलता है मेरे को पता वाईडी क्या होता है। वाईडी जो होता है जिसे काम करने से आलस हो। और मैं कल की बात है, कल से मैं स्कूल में एक टीचर का जॉब कर रहा हूँ। फिर फर्स्ट एपिसोड का रिकैप होता है, उसमें दिखाया जाता है मिनाको को, फिर वो ऊपर छत पर बोलता है तुम ऐसे अच्छा लग रहा है, फिर रिवेंज होता है, फिर बोलता है कि ना हीरो को कभी अकेला नहीं रहना चाहिए। फिर फिर बोलता है मेरा एनिमे ब्लॉक रातों रात गिर गया, सेकंड प्लेस पे आ गया। अरे यार ये सब उसके टीचिंग जॉब की वजह से हो रहा है, मेरे को गेम नहीं खेलने मिल रहा, ये पागल से टीचिंग जॉब, मेरे को इसे छोड़ना है, क्या करूँ। और वो ना ऐसे बोल के वो कगामी हमारा लेटा रहता है। फिर अगले दिन का टाइम आता है, एक लड़की बोलती है सर आप अच्छे से पढ़ाते नहीं हो, क्लास तो स्टार्ट करो, स्टार्ट हो चुकी है। फिर हमारा कगामी बोलता है ओ अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है अपने अंदर की आ जाता है, फिर वो बोलता है चलो चौक बहुत भारी लग रहा है मेरे को, मन ही मन में मेरे को ये छोड़ना है टीचिंग करना, क्या करूँ मैं। फिर क्लास ख़त्म हो जाती है, वो कैसे ना कैसे निकाल लेता है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पे एक वो लड़की रहती है, फिर वो उसे देखता है, फिर उसका कगामी फिर स्माइल कर रहा होता है, उससे अचानक से लगता है कोई उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा है, खाली वो देखता है, खाली वहाँ पे कोई उसे मिलता नहीं है। फिर इस बात पे उसे थोड़ा हैरानी होती है, उसे लगता है कि उसका वहम है। फिर वो स्कूल के बाहर जा रहा था, छुट्टी हो रही होती है। फिर वो एक महीने हो जाता स्कूल में, फिर वो बोलता है कि बहुत टाइम हो गया आखिरी बार मैं, फिर वो बोलता है कि चलो आज संडे है आज बाहर घूमने मज़ा आएगा। उसकी बहन सुजने भी आती है, फिर बोलता है कि देखो मेरे का भी फ्री टाइम है, अभी छुट्टी है तो मेरे को मज़े लेने दो, मैं हरदम एक रूम में बंद रहता हूँ, मेरे अपनी सारी छुट्टियाँ वहाँ पर बर्बाद करता हूँ, अब मज़ा आएगा ना, अब मेरा काम आज छुट्टी है। फिर उसकी बहन बोलती कुछ भी करो जल्दी करो, उसके बाद बोलता चलो, वो बोलता कि हाँ इन्जॉय तो करने दो मेरे को, अब ऐसे मेरे को पैसे दो तो तुम बोला था, तुम यार बड़े दिमाग खाने वाले हो। सुजन बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ही सब होता है। फिर वो बोलते क्या मतलब, फिर कि तुमको नहीं पता तुम इतना मेहनत करो, पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ये बोल के निकल जाती है। उसकी बहन बोलते कि ये मतलब कि कोई कचड़ा तो नहीं, थोड़ा अच्छी बात नहीं, एक बार स्टोर में तो चलो। फिर वो अपनी बहन को लेकर आ जाता है कगामी, फिर वहाँ पर देखता है वहाँ पर हर जगह CCTV कैमरा रहता है। फिर से शक होता है कि कोई फिर से वीडियो या कुछ बना रहा है। फिर देख तुमको क्या हो गया बिग ब्रदर, सुजन बोलती है। कगामी बोलते कुछ नहीं मेरे को अजीब सा लग रहा है, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कोई मेरे को देख रहा है या फिर मेरे पे कोई नज़र बनाए रखा है। फिर सुजन बोलते क्या, फिर बोलता है कि अब मेरे को सिर्फ लग रहा है। फिर बोलता है कि नहीं कुछ तो हो सकता है। फिर कहता है नहीं मेरे बस ख्याल भी तो हो सकता है, वैसे भी छोड़ो ये सब मेरे वाईडी का सिम्टम्स होंगे कि ना मेरे को जो लगता है, वैसे भी मेरे लिए कुछ अच्छा चीज़ है, मेरे फेवरेट नंबर वन एनिमे करेक्टर का फर्स्ट एडिशन ब्लू रे बढ़िया चीज़ मिला है मेरे को। फिर वो सब लोग देखते हैं, फिर वो सुजन बोलते मेरे को ऐसे मत करो, बोलते कि ऐसी चीज़ ना मत करो, कहते कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है, तुमको नहीं पता है वर्ल्ड वाइड फेमस है, तुमको इसे ऑनलाइन खरीद नहीं पाओगी, ये लिमिटेड एडिशन है, तो मेरे को ये देख रहे हो ये बहुत खतरनाक, अरे कितने क्यूट है। फिर उसकी बहन बोल रही होती है क्या ये हरकत कर रहा है, हमारे ऐसे कुछ टाइम नहीं है फालतू का, जो कर पाए जल्दी करो। फिर हमारा जो कगा मेरा तो बोलते ठीक है मैं तुम्हारा शुक्रिया सुजन है, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो। फिर बोलता है कि थैंक यू, वो हमारा शॉपकीपर कहता है। फिर वो बोलती है सुजन ले अब तुम लोग खुश, हमारा कगामी कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ थैंक यू तुम्हारा। फिर वहाँ पर देखा था एक लेडी या फिर लड़की वहाँ पे ना खरीद रही होती है, वहाँ पे ना कगामी उसे देखता गौर से, फिर उसके पास आता है, फिर वो बोलता है कि तुम इसे चुरा तो नहीं रही। फिर वो लड़की बोलते क्या मतलब तुम्हारा, तुम भाई वो बोलते मेरी मदद करो, ये पर्वत आदमी मेरे साथ कुछ कर रहा है, सारे लोग देखने लग जाते हैं क्या हो गया। फिर वो बोलते मैं कुछ नहीं कर रहा, सुजन बोलते क्या कर रहे हो बड़े भाई आप। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं देखो सही हूँ, मैं तो बस चेक कर रहा था मेरे को लगा कि चुरा रही है। फिर एक मैनेजर आ जाता है वहाँ पे, कह रहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। फिर बोलते तुम तो ठीक हो लेडी, हली लेडी वहाँ से निकल जाती है, वो कहते हाँ मैं तो बस ये सीढ़ी देख रही थी और ये मेरे को पकड़ रहा है। फिर ये भाग जाता है हमारे कगामी, उसके पीछे सुजन भी, खाली एक बंदा उसे रिकॉर्ड कर लेता है वो सारे इंसिडेंट को। फिर वो ना बाहर बाहर निकल जाता है, फिर वो लड़की के पीछे देखने चला जाता है कि लड़की क्या बोल रही थी। फिर वो बोलता है रुको, वो हमारा कगामी बोलता रहता है, वो लड़की बोलता है नहीं। फिर वो बोलता है कि एक सेकंड रुको यार मैं इतना क्यों कमज़ोर हूँ, एनिमे देख देख तो थक जाता है हमारा कगामी भागते भागते। फिर पता चलता है वो स्कूल की लड़की होती है वही वाली, बोलते क्या तुम तो वही क्लास के चेयरपर्सन वो मॉनिटर हो ना, कहते हाँ और वैसे भी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, कहते मैं तुम्हारी वजह से मेरे सारे एग्जाम के अंदर कम नंबर आ रहे हैं, तुम कुछ पढ़ा नहीं रहे। फिर वो बोलता मेरे को माफ़ करो, कगामी बोलता है। फिर कहते ऐसी बात नहीं है कि माफ़ी से क्या होगा।
फिर क्या, मैंने माफ़ी तो मांग ली, अब क्या करूँ, तुम क्या ऐसे कर रहे हो भाई, तुमने वो DVD चुरा रही थी फिर साइड करी थी, मैं तो सिर्फ देख रहा था, तुमने कैसा क्यों चिल्लाया, तुम्हारे पैसे पता कितने सारे क्यों हो गए, है नहीं तो तुम्हारी जैसे लड़की को एनिमे का कोई कर नहीं, चुरा के ऐसे रख देते हो, तुमको जब पसंद नहीं है एनिमे तो क्यों लेते हो ऐसे, और मैं हम जैसे बंदों को मिलता नहीं हो टाकू को। फिर बोलते क्या मतलब, फिर वो लड़की बोलती है, बोलते कि देखो मेरे को ये पसंद है, ऐसी बात नहीं कि पसंद नहीं है, बोलते ठीक है, और वो बोलते अच्छा तुम रख सकती हो, फिर ना उसकी बहन आती सुजोने, उसे पंच मार देती है, तुम बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, वो बोलते मेरे को माफ़ कर, मेरा बड़ा भाई पागल ही है, फिर ना अगले दिन का टाइम जहाँ पे छत पे आराम से ले रहा होता है, मिनाको आ जाती है, बोलते ए फेच पंच तुम आ गई, क्योंकि हाँ ये लो लंच तुम्हारे लिए, बोलते क्या, फिर उसके दोस्त भी आ जाते हैं, फिर बोलते कि हेलो सर, फिर वो ऐसे आते जाती है ऐसे करते करते, अरे तुम भी आ गई ब्लॉन्डी चमकीली बाल वाली, अरे तुम मेरे को तो माफ़ी मांगो यार, मैंने माफ़ी मांग ली थी ना उस दिन, मेरा नाम क्यों बिगाड़ रहे हो आप, फिर बोलते कि ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, कहते हाँ, और फिर पूछते कि तुम कगामी तुम फिर गेम खेलियो मिनाको, कहते हाँ वो क्लास में आपने जो किया था ना वैसी वजह से, और हमारी क्लास में नहीं सारे स्कूल के अंदर वो गेम खेला जा रहा है आपका जो आपने उस दिन बताया था, आप बहुत फेमस हो गए हो, आप मेरे जैसे फेम करेक्टर मतलब कि स्टूडेंट भी सब लोग को देख रहे हैं। फिर बोलते कि खाना ऐसा खाना बहुत टेस्टी है, मिनाको बोलती सच्ची, कहते हाँ किसने बनाया ये, फिर येल्लो बाल वाली लड़की कहते मैंने, फिर देखिए देखो मेरे को ना स्मॉल रेस्टोरेंट मतलब कि थोड़ा छोटा सा बिजनेस है मेरा फैमिली वाला इसलिए, फिर बोलते मिनाको तुम भी थोड़ा अलग नहीं हो हमारे से, फिर बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया खाने के लिए बहुत टेस्टी था, मम्मा कगामी बोलता कहते हैं, फिर वहाँ पर मिनाको कहती है ना देखो सपने जैसा जॉब है एनिमे का, जैसे कि हमारे जो मनपसंद जॉब मिल जाना वो तो एक सपने जैसा ही है, फिर वो पूछता है कि देखो तुमको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लेना पड़ेगा मेरा, और क्या कहते मेरे को बड़ा से वॉइस एक्टर बनाना पड़ेगा, फिर उसके दोस्त आते हैं मीहो सुनो, फिर मीहो बोलते क्या हुआ, फिर मीहो जो येलो बाल वाली लड़की रहती है बोलते ये देखो इंटरनेट पर क्या वायरल हो रहा है, वो देखे कगामी वो क्या कहते हैं उसके ऊपर कि ये उन्होंने की गलत हरकत कर रहा बच्चों के साथ, वो देखे क्या कगामी इसको तुम कुछ कर सकते हो, करे वो हमारे कगामी बोलते हैं नहीं, फिर वो लड़की देखती है जो हैसियत में रहती होती क्या, सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि हाँ मेरे को भी शक था, खाली ऐसा तो नहीं ऐसे कर पाएंगी, वहाँ पे मीहो भी रहती है और मिनाको भी रहती है और बाकी सारे दोस्त रहते हैं उसके, फिर वो पूछते युकियो तुमको क्या लगता है, फिर युकियो वो जो वो लड़की रहती है वो बोलते क्या क्या उसको स्कूल से निकाल दिया, सारे लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है, और युहिको जो रहती है बोलते क्या करूँ मैं मेरी गलती है, और शाम हो जाती है, फिर उसके बाद वो जहाँ पे ना कगामी जा रहा होता है मतलब कि अपना सारा सामान लेके, फिर युहिको बोलते हैं मिस्टर कगामी सुनो आप तो, फिर वो बोलते क्या हुआ, फिर वो बोलती है कि मैं बता दूंगी उन सबको, मैं बता दूंगी प्रिंसिपल को कि मेरी गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस ऐसे चुराने की चुरा भी नहीं थी, मैं बस छुपा के ले जा रही थी, ये सब गलत फहमी है, फिर वो बोलता है कि नहीं तुम गलत सोच रही हो, मेरे को ऐसे भी ये जॉब मेरे को छोड़ना था, मेरे को कुछ करना नहीं था, कगामी बताता है, और नहीं बस मेरे को एक रीज़न मिल गया इसका जॉब छोड़ने का, तो तुम ऐसी बात नहीं कि जो फोटो की वजह से ही मैं जा रहा हूँ, और तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, और वैसे भी मैं अपने ना गेम पर ध्यान दूंगा, ये बोल के निकल जाता है कगामी। फिर अगर फिर घर पे आते हैं ना तो वहाँ पे सुजुने मारती है उसको पकड़ के, बोलती है कि तुमने ये हरकतें क्यों की, तुम बता सकते हो किसी को कि तुम कुछ कर सकते हो, तुमको पता था ना वो लड़की, तुम जाओ प्रिंसिपल को सच बताओ तुम क्यों छुपा रहे हो, फिर बोलते मतलब क्या सच बताऊँ, वैसे मेरे को छोड़ना है, तुम प्रिंसिपल को तो मारोगी नहीं ना, मैंने कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद बोलता कि नहीं, फिर वो बोलते कि सुनो सुजुने बोलते क्या हुआ, मैं ना ऐसे टीचर जो ना छोड़ रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, और ना मेरे को ऐसी बातें नहीं है, मैं वो स्टूडेंट की मतलब कि उसमें बता दूंगा वो लड़की कौन है यूही को तो उसकी बदनामी होगी, उस चक्कर में मैं बता नहीं रहा, वैसे ऐसी कुछ बात नहीं है, फिर बोलते कि अच्छा ठीक है, अगले दिन का टाइम जो उसका ना आ जाता है, फिर स्कूल के अंदर वही बात चल रही है कि आज इमरजेंसी मीटिंग होगी मतलब कि हमारे ना कगामी सर का वो निकाला जाएगा ना तो वो लास्ट स्पीच देंगे, वहाँ पे यूही को बोलते उदास बैठी रहती है, बोलते मैं करूँ मेरे एक फ़ोटो की वजह से वो टीचर का ऐसा हुआ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, फिर वो ना थोड़ा उदास हो जाती है, वो बोलते कि क्या हुआ क्यों ब्यासी मतलब कि यूही को, वो बोलते कि ना सुनो मेरे को तुमको एक बात बतानी है, सच्चाई ये है कि वो बता देती है कि मैं थी वो, और मैंने कुछ नहीं किया, उनने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैं बस ऐसे देख रही तो छुपा के ले जा रही थी, ये सब गलत फहमी है, सारे लोग बोलते क्या, फिर उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर बताते हैं पूरी दुखी के साथ मेरे को अनाउंस कर रहा है एक चीज़ कि हमारी जो कगामी है जो कुछ पर्सनल रीजन के कारण ये स्कूल छोड़ रहे हैं और ये आप नहीं पढ़ाएंगे आप सबको, तो वो हमारे सारे बच्चे बोलते कि आप छोड़ नहीं सकते सर, आपने प्रॉमिस किया मेरे को देखोगे जब तक मैं बड़े नहीं हो जाओ, कगामी बोलते क्या मतलब तुम्हारा, फिर वो बोलता है कि मेरी सब मेरी गलती है, यूही को कहती है, फिर वो सब बोलते कि मेरे को पता है हमको पता क्या था आप कैसे हो, आप मत छोड़ो इस नीसी बात पे हमें सब पता चल गया है, बोलते सुनो बच्चों कगामी बताता है,
कि मेरे को मैं अपना मेरे लेक्चर जो स्टार्ट करने का टाइम आ गया, साइलेंस, सब शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए। सारे लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि माइक का आवाज़ इतनी तेज़ रहती है। फिर बोलते हैं, सुनो मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ किसी भी रीज़न के मारे में। ऐसी बात नहीं कि मैं क्या कर पाऊँ, खाली एक लास्ट बात तुमको सिखा के जाऊँगा कि जो तुम अपने सोसाइटी के अंदर अपना इमेज बना के रखना चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से बदलना चाहिए। और तुमको तुम्हारे दोस्त दुश्मन ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्त सब अच्छे हैं। फिर तुम ये समझे, फिर सबके मतलब यहाँ पे एक लिंक भेज देते हैं, मतलब कि सबके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है। फिर मैसेज का सारे बच्चे चेक करते हैं, फिर वो देखो ये हमारे लिए बनाया है। फिर एक वीडियो बनाते हैं ना कि गेम जैसा, वो वीडियो गेम। फिर वो बोलते हैं कि हाँ ये देखो ये तुम्हारे जो जिनको जो जिस स्टाइल में तुम खेलते हो तुमको जो पसंद है, ये एक लिमिटेड एडिशन का गेम है जो मैंने बनाया, जो हमें मियाको ने बोली थी वो लड़की ने। फिर वो बोलते हैं कि वाह बड़ी लकी हो तुम। फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये गेम डेवलपर भी है, बहुत बढ़िया। तो देखो अपने ज़िंदगी में एक सिंपल सा लाइफ इस्तेमाल करना, तुम जो करना चाहो अपने लाइफ में वो करो और कुछ नहीं, दूसरे जो बोले उनके बात पे कुछ ध्यान मत दो। सारे लोग खुश हो जाते हैं। बोलते कगामी सर, फिर वो स्कूल से जा रहा होता है वहाँ पे कगामी, वो बोलता है कि बहुत अच्छा रहा जिंदगी हमारा, ये टाइम मेरा लास्ट लेक्चर, मेरा लास्ट चीज़ भी सही रही। फिर वो बोलता है कि नहीं, एक लड़की बोलती है, बोलते क्या मतलब तुम्हारा। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हारा ये लास्ट लेक्चर नहीं है। फिर बोलते तुम हो कौन। वो लड़की बोलती है मैं हूँ कोकुयोमी, मैं हूँ हिरागागी एकेडमी की मतलब की चेयरमैन। क्या मतलब, वो बोलते मैं तुमको यहाँ पे लेने आई हूँ अपने स्कूल का टीचर बनाने के लिए। कगामी, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।